तो दोस्तों आज हम बात करेंगे CESC के स्टॉक के बारे में। CESC के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको अप्रैल से यहाँ पर लगातार क्लियर अपट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब रिसेंटली हमको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट के बाद भी यहाँ पर स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को यहाँ ब्रेक नहीं किया और अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.20% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक 199 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 105, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 110 और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक है 120-130 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर यहाँ से स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 96.20 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 93 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 89 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।